तो हाय गाइस यार, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे चैनल के नए वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। एंड आप लोग यार मुझे इतना कमेंट कर रहे थे, इतना मेरे FB पेज पर मैसेज कर रहे थे कि मतलब यार क्या बोलूँ, आप लोगों ने कितना बोला कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। एंड फाइनल चलो यार मैं अभी वीडियो ला चुका हूँ। एंड ये जो वीडियो है ये आप लोगों के सबसे मतलब कमेंट किए हुए वीडियो में से है, जहाँ कि आप लोग कहते हो कि आप लोगों को लैग फिक्स का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो लैग है वो एकदम मैं फिक्स कर देने वाला हूँ, ठीक है, एकदम से ही मैं फिक्स कर दूंगा ये लैग। तो यार और आप लोग मुझे इतना मतलब इतना चीज़ों के मैसेज कर रहे हो, इतना चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो, इस बारे में वीडियो बनाओ उस बारे में वीडियो बनाओ, तो यार ये देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड इतने दिनों में मुझे इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं, इतने कमेंट्स आ चुके हैं कि यार उतने सारे अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ तो मेरे कम से कम 2 महीने के वीडियो ऐसे ही बन जाएंगे। तो खैर बहुत बातें होगी एंड अभी शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। मेरा नाम है अयान, आप देख रहे हो नूबरा गैंग, लेट्स बिगिन। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो यार जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बाजू का बेल आइकन को, बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करना, ताकि यार हम जो लेटेस्ट वीडियो लाए उन सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने डिवाइसेज में मिल जाए और आप आके देख भी लो सबसे पहले। तो यार देखो यार, मेरे को वीडियो बनाने का इतना बाद में क्यों मुझे लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह जब ये मेरा क्या बोलते हैं इसको मतलब ये कुछ भी है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, तो यहाँ पर मेरे खाली 300 घंटे बाकी थे, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी कितने माइनस हो गए हैं 4000 घंटे से। तो यार मतलब मुझे अभी फिर से इतने सारे आवर्स लाने हैं, जहाँ कि मुझे सिर्फ 300 आवर्स लाने थे। तो मेरे को लगा चलो यार वीडियो बना ही देता हूँ, कुछ वीडियो बना लूँ एंड उसके बाद अगर काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं रेगुलरली वीडियो ला पाऊँगा, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने के बाद वहाँ पर आप लोगों को दो लिंक मिलेंगे, एक होगा 1 GB RAM जिस मोबाइल का है और एक है 2 GB RAM जिस मोबाइल का है, ठीक है। इन दो लिंक मिलेंगे और अगर आपका 3 GB का फ़ोन है, 3 GB RAM का, फिर भी आप लोगों का लैग कर रहा है तो वो जो 2 GB वाला लिंक होगा उससे आप लोगों को डाउनलोड करना है। और लिंक से डाउनलोड करना बहुत ही इजी है, जीपी लिंक यूज़ किया है मैंने। और अगर आप लोगों को नहीं पता जीपी लिंक से कैसे डाउनलोड करते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो बाद में मैं वो जीपी लिंक जो है वो हटा दूंगा, सिर्फ एकदम डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लेना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले अभी क्या करना है, ठीक है, तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है आपका जितना रैम का फ़ोन है उस हिसाब से लिंक को। उसके बाद आप लोगों को जाना है डिवाइस फाइल पर, उसके बाद डिवाइस स्टोरेज पर जाकर आप लोगों ने उसको जहाँ से डाउनलोड किया, अगर यूसी ब्राउज़र से किया है तो यूसी डाउनलोड, अगर ओपेरा से किया है तो फिर नॉर्मल डाउनलोड, और अगर क्रोम से किया है तो फिर भी सिर्फ डाउनलोड्स पर ही आएगा, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड्स पर जाता हूँ, मैंने क्रोम से किया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये है दो, ठीक है, एक है फ्री फायर लैग फिक्स फॉर 2 GB RAM HTML और एक है लैग फिक्स फ्री फायर HTML। तो यार ये जो है नीचे वाला ये है 1 GB RAM के लिए, ठीक है। तो यार तो अगर मैं इसको लेता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, इसको होल्ड पे उसके इसको प्रेस करके रखना है, उसके बाद इसको मूव या फिर कट कुछ भी हो वो कर लेना है, ठीक है। उसको करने के बाद आप लोगों को जाना है डिवाइस पर, डिवाइस पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ढूंढना है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड हम लोग ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा एंड्रॉयड। एंड एंड्रॉयड पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा डाटा, डाटा पर जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को ढूंढना है com.dts.freefire.th कह के, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फाइल पर आऊँगा, फाइल पर आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उस पर आने के बाद हाँ बोल देता हूँ com.dts, उसके बाद जाना है डाटा, डाटा पर आने के बाद जाना है फाइल, फाइल पर आने के बाद यहाँ पर इसको फिर से पेस्ट कर देना है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये है com.dts.freefire.th, उसके बाद ये है फाइल्स, एंड फाइल्स पर आकर इसको
मूव करो, पेस्ट करो, कट करो, कुछ भी आप लोगों का आ सकता है, तो इसको आप लोगों को कर देना है, ठीक है। तो बस इतना से ही आप लोगों का काम हो जाएगा। एंड ये तो हुआ पहला स्टेप, ठीक है, सॉरी काम नहीं है, पहला स्टेप। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है अपने सेटिंग पर। अपने सेटिंग पर आने के बाद आप लोगों को अब ढूंढना है अपना अबाउट फ़ोन। तो यार आपका अबाउट फ़ोन आप लोग देख सकते हो, किसी किसी फ़ोन का एकदम ऊपर होता है, किसी किसी का एकदम नीचे होता है, किसी किसी का कुछ सेटिंग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो यार वहाँ पर जाकर आप लोगों को ढूंढ लेना है बिल्डर नंबर, ठीक है। तो यार इस बिल्डर नंबर पर आपको कुछ बार क्लिक कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है डेवलपर ऑप्शन खुल जाता है। तो मैंने अब पहले से इसको खोल कर रखा था, इसीलिए देख सकते हो नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी इनेबल्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मैं बैक कर लेता हूँ, ये देखो मेरा डेवलपर ऑप्शन पहले से ही था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का नहीं आ रहा है तो आप लोगों को उस बिल्डर नंबर पर कुछ बार क्लिक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, कम से कम शायद 7-8 बार क्लिक करना होगा, फिर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। ये ऑफ़ होगा तो आप लोगों को ऑन कर लेना है, ठीक है। मेरा ऑन ही था तो आप लोगों को ऑफ़ होगा, ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते रहो और उसके बाद विंडो एनिमेशन स्केल देख पाओगे। तो यार इसको आप लोगों को एनिमेशन स्केल 0.5x पर रख देना है। उसके बाद नीचे भी ये एक ही जैसे चीज़ें होंगे, इन सबको आप लोगों को 0.5x पर रख देना है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को फोर्स GPU रेंडरिंग। तो यार ये जो होगा आप लोगों का गेम को चलाने के लिए थोड़ा सा मदद कर देगा। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद मिल जाएगा यहाँ पर इनेबल 4x MSAA। ये आप लोगों के बड़े जो ऐप्स होते हैं उनको चलाने में मदद करता है। यहाँ पर ऐप्स तो नहीं, जो भी हमारा गेम है, तो जो है हमारा गेम का साइज़ 500 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़े फाइल्स के अंदर ही आता है। 300 से ज़्यादा हो फिर ही बड़े फाइल्स के अंदर इसको पकड़ा जाता है, मतलब ऐप्स के अंदर, सॉरी कुछ भी हो। तो उसके बाद आप लोगों को फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़। तो यार इसको आप लोगों को इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, अगर आपके बैकग्राउंड पर कोई नॉइज़ आ रही, क्या कह रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड पर नॉइज़ आ रही है, हमारे यहाँ पर पास के घर पर गाय है चिल, मतलब वो उसका ही आवाज़ है, तो आप लोगों को ये क्या करना है, डू नॉट कीप एक्टिविटीज़ पर आप लोगों को इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में अगर कोई ऐप चल रहा होगा तो इसको वो बंद कर देगा, ताकि आप लोगों के प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। एंड यहाँ पर लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस, आप लोगों को यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, ताकि बैकग्राउंड पर अगर कुछ रहे भी तो उसको ऑफ कर दे, ठीक है। ज़्यादातर ये WhatsApp और Facebook से होता है, आप लोगों के मैसेजेस जो है वो आ जाते हैं और बैकग्राउंड में ऐप भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये उन सारी चीज़ों को बंद कर देगा। तो इतना सा आप लोगों का हुआ। एंड अभी आप लोगों को मैं और भी कुछ बता देता हूँ, थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप को आप लोगों को फिर से जाना है अपने से हाँ, इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को रिस्टार्ट कैसे करते हो, पावर बटन को क्लिक करके वहाँ पर ही रिस्टार्ट या रिबूट लिखा आता है, तो आप लोगों को वहाँ पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आप लोगों अगर अपना जो मोबाइल होगा उसको रिस्टार्ट कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को जाना है थर्ड स्टेप जो है सेटिंग पर आ जाओ फिर से। सेटिंग पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज का ऑप्शन। स्टोरेज के ऑप्शन पर आना, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जगह नहीं है, इतना ही बोल सकते हो, मतलब जगह है ही नहीं, ठीक है। जस्ट 450 MB है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको कम से कम 2 GB तक खाली रखना है, ठीक है। 2 GB तक खाली रखना है, जो कि मैंने नहीं रखा है। तो आप लोगों को 2 GB तक इसको खाली रखना है। आप लोगों का जो एक्स्ट्रा ऐप है जिनकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, उन सारे ऐप को आप लोग डिलीट कर देना, ठीक है। 2 GB तक आपको खाली रखना है अगर आपको एक अच्छा गेम प्ले चाहिए। उसके बाद आप लोगों को और एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो कि अगर वो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशंस पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फ्री फायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर फ्री फायर पर आप लोगों को जाना है। फ्री फायर पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक होगा मूव टू SD कार्ड, ठीक है। तो आप लोगों को इसको SD कार्ड पर मूव कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास SD कार्ड नहीं है तो SD कार्ड ज़रूर से इंसर्ट कर लेना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का बहुत सा जगह जो है मोबाइल का बच जाएगा। तो इससे आप लोगों का
मतलब गेम अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आप लोग करना, आप लोगों का गेम बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है, और लिंक तो यार मैंने बोल ही दिया है, उस फाइल्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार आज के वीडियो में इतने ही। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो पहले हमारे आज के इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए फ्री फायर।